हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। मेरे साथ आज आप लेक्चर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस का स्टडी करेंगे। और बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा याद करें तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। क्या क्या पढ़ा था उसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। इफेक्टिवली फोकस करते वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के साथ P680 एंड P700 ये दो वर्ड्स आपने पढ़े थे। साथ साथ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के नाम पे आपके पास क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स मिल गए थे। इतना समझते हैं हम लोग। कैरोटीनॉइड्स एंड जो आपके पास बी वाले थे, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दिमाग पे जोर डालते रहो तो आपको आइडिया लगते रहेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी। अब इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमारे पास PS1 एंड PS2 क्रिएट होता है, और यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 PS2 दोनों में मिलता है। PS1 में रिएक्शन सेंटर इज 700 एंड PS2 में रिएक्शन सेंटर इज 680। दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। तो इन सब चीज़ों के बारे में NCERT एग्जैक्टली लाइन टू लाइन हमें क्या बोलती है, दिस इज व्हाट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक बार NCERT पढ़ लेते हैं, उसको फिनिश ऑफ करते हैं, एंड देन वील जम्प टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सी, लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH। मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे NCERT आपको फोकस करने को कह रहा है, ध्यान से देखते रहो। इस लाइट रिएक्शन, जिस रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब करती है, उसका दूसरा नाम क्या कह दिया, फोटोकेमिकल फेज। क्यों? क्योंकि वर्ड अगर पढ़ते हो बेटा फोटोन, तो फोटोन इंडिविजुअल यूनिट होती है लाइट की। तो अगर आप इस फोटोन की बात कर रहे हो, दैट मीन्स ये लाइट की बात कर रहा है, और इस लाइट का कंजम्पशन हो रहा है, इस लाइट का इस्तेमाल हो रहा है फाइनली किसमें कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल्स बना रहे हो, और नाम बोलो फटाफट आपको आता है एक ATP और दूसरा NADPH। वेरी गुड, कौन सा, एक ATP और दूसरा NADPH। ये दो हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट्स है जो इस रिएक्शन से मिल रहा है। सीधा सा नाम दे दिया फोटोकेमिकल फेज, क्लियर। अब कहते हैं कि इस पूरे लाइट रिएक्शन में मल्टीपल इवेंट्स क्या क्या होते हैं, देखते रहो। लाइट एब्जॉर्प्शन बोलो तो मैं, आता है कैसे लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, ये पूरा पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद डिटेल्स हम लास्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें दूसरा इवेंट होता है वाटर स्प्लिटिंग, पानी का टूटना, और टूट के मतलब पानी का टूटना, दिस इज वाटर स्प्लिटिंग। सिंपल, अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा दूं। तीसरा है ऑक्सीजन रिलीज, अब दिमाग में जोर डालो। कॉर्नेलियस वैन नील के एक्सपेरिमेंट से हमने वहां से जानना शुरू किया था कि वाटर स्प्लिट होता है और तब जाके ऑक्सीजन बन रहा है। तो ऑक्सीजन बनेगा तब जब वाटर स्प्लिट होगा, तो ये वाला एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड इसके बाद फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट था, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अपने पास एनर्जी होल्ड करते हैं, उसमें हमारे पास एक ATP और दूसरा अपने पास NADPH। बात क्लियर हो गई, बढ़िया। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, बहुत सारी अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हैं। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। दो फोटोसिस्टम्स हैं जिसमें पिगमेंट्स LHC के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। दीज नेम्स आर इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये सेंटेंस समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अभी तक जहां पर सेंटेंस यूज होगा वो मैंने पढ़ाया नहीं, इग्नोर। आगे बढ़ो। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से दिख रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए स्पेसिफिकली प्रोटीन्स की मदद से। किसकी, प्रोटीन्स की मदद से। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एज एंटीना। समझाता, दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर देखो, क्या आपको बना हुआ इधर एंटीना दिखाई दे रहा है? यस। इस एंटीना में बेटा ए और बी में, आपको एंटीना में कैरोटीनॉइड्स और बी मिलेंगे, ए नहीं मिलेगा। ये वाली लाइन कहना चाहता था NCERT, कहते इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एंटीना वाले मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर अपने को बी मिलेगा और कैरोटीनॉइड्स मिलेगा एक्सेप्ट ए, यानी सब के सब पिगमेंट होंगे एक्सेप्ट ए। तो ए को छोड़ के बचे कौन कौन से, एक बना बी और दूसरा क्लोरोफिल बी और दूसरा कैरोटीनॉइड्स। तो एंटीना में क्या क्या बात समझ आ गई, ये सब मिलके लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी मदद से, जैसे बताया ना वो सर्कल वाली बात, सर्कल तो शायद डिलीट कर दिया, ये रहा
इस सर्कल के थ्रू हम कहते हैं ना, यहाँ से लाइट आगे ट्रांसफर करी जाती है, किस तरीके से बाहर वाले लोग अंदर वाले सर्कल वाले को देते हैं, अंदर वाले सर्कल वाले सबसे सेंटर वाले आदमी को देते हैं लाइट, अब जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी थी वो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहा था। एनसीईआरटी की लाइंस है कॉम्प्लेक्स, लेकिन सिंपल अगर कंसेप्ट आता तो। दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सिंगल पे एनसीईआरटी फोकस कर रहा है, अकेला है, फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर आता है हमें। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम्स, ये भी बात मालूम है। द पीएस वन द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है as in has an absorption peak at 700 nanometer, that means maximally absorption agar light ki photons ki hogi to is wavelength pe hogi, hence it is called as p700, while the ps2 it has an absorption maxima at 680 nanometer, hence called as p680। bolo clear tha, simple tha na, yahan tak ye wali baat hum last wale lecture mein kar chuke the। इससे एक्स्ट्रा एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देना चाहता हूँ, पहले भी आइडिया दे चुका हूँ। शील्ड पिगमेंट्स बोलो आते हैं, किसको कहते थे, कैरोटीनॉइड्स को, वेरी गुड। कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। क्या कर रहा है, आपके पास मैंने बताया था ना कि इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, ये हमारे पास कैरोटीनॉइड्स। तो एक्सेस अगर लाइट आएगी ना, जैसे बेटा आप लोग धूप में निकलते हो तो स्किन जलने लगती है ना, अलग अलग से रैशेस पड़ने लग जाते हैं, स्किन जलने लगती है, सनबर्न होना शुरू हो जाता है, सेम केस प्लांट के साथ भी तो होता है, प्लांट को भी सनबर्न हो सकता है। तो उन चीजों से प्लांट में इतनी भयंकर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की सनलाइट आ रही है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कैरोटीनॉइड उसके ऊपर एक परत बन के रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो क्लोरोफिल की प्रिवेंट करेगा फोटो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन। अगर ऑक्सीजन आके क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट कर लेता है ना, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल हो जाता है। अगर ऑक्सीजन आके क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट कर लेता है, बाइंड कर देता है, टेक्निकली क्लोरोफिल का ना स्ट्रक्चर टूट जाता है बेटा। अगर स्ट्रक्चर टूट गया तो हम कहते हैं क्लोरोफिल काम नहीं कर पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वाला ये जो ऑक्सीजन कहीं से आ गया है एक्सेस सनलाइट की वजह से, कहाँ से आया है, फिनोमेना का नाम सुनो, फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोला मैंने, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं ना कहीं से अपने पास ऑक्सीजन आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया है ये किस प्रोसेस की वजह से है, फोटो रेस्पिरेशन। और ये भी मैं आपको इन द फर्दर लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, बट अभी दिमाग में ये बात डालो कि आ गया ऑक्सीजन तो जाके क्लोरोफिल के साथ मिल सकता है, उसको झप्पी वाले, लेकिन अब हमें क्लोरोफिल को बचाना है तो उसको बचाने के लिए कौन बैठा है, ये कैरोटीनॉइड्स बैठे हैं। वो कैरोटीनॉइड्स लिपट के बैठे हैं क्लोरोफिल के बराबर में कि भाई किसी और से मिलने ना देंगे तुम्हें, समझ गया मेरी बात। तो अब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी काम बढ़िया से चल पड़ा, कोई टेंशन नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। डन, यहां तक एक टॉपिक फिनिश। अब टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होता है इस लेक्चर का, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इतनी मेहनत, इतनी मतलब ओहो यार, इतना इतनी कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि फाइनली भाई इतना एनर्जी दे के पूरा को पूरा मेहनत करके यहां से इलेक्ट्रॉन को फुर्र कर दे, निकाल दे, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां निकालना चाहते। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी आपने क्लोरोफिल को कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के आगे भाग गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा किसी के पास तो जाएगा, समझो किसी की जेब से निकला तो किसी और की जेब में तो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी फ्रॉम वन टू अनदर, फिर अनदर टू अनदर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। और यहाँ पे डायग्राम में अगर आप ये पूरा चार्ट देखोगे तो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, पहुंचा इसके पास, फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से प्लास्टोसियानिन के पास। इलेक्ट्रॉन की कंटीन्यूअस मूवमेंट होती जा रही है। तो क्या आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तुम बोलोगे हाँ कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पड़ा है, और ये सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ये सब बातें। इस समझने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। आओ एक कंसेप्ट समझते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू रिड्यूस वन सेल्फ, खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी को अगर मेजर किया जाए तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और यहां पे अगर फोकस करूं बेटा बात, रिड्यूस वन सेल्फ का मतलब खुद को रिड्यूस करना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी मैं कहूंगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसके पास खुद को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसको खुद को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब उसके पास खुद को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी कम है। तो ये ना बात बड़ी अजीब सी लगती है, अजीब ही मतलब ना दिमाग में डालना जरा मुश्किल लगता है। अब केमिस्ट्री में तुम सीखते हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे इस बात को ना एक सिंपल आइडिया से सीखेंगे, क्योंकि इसके पीछे हमने ना एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी को क्रिएट करने के लिए मैं कहता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल को तुम इसको कहो कि रिडक्शन पोटेंशियल होती है भूख, भूख यानी हंगर। अब मैं कहता हूं कि किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर का, जो हम यहाँ पे अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसको भूख बहुत भयंकर लगी, और किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसको भूख कम लगी है। जाहिर सी बात, इतना क्लियर है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की क्वालिटी बात यहाँ समझ आ गई है, इस चार्ट को देखिए। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बेटा वैल्यू 1 से शुरू होता है और ऊपर जाते हैं 0.8, 0.6, 0.4, 0.20, माइनस 0.2, माइनस, और ऐसे वैल्यू। यानी हम जब वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। क्या बात आपको समझ आती है? तो अगर इस तरीके से बात समझ आती है तो इस पूरे लेवल में देखते हुए मुझे एक लाइन में बताओ क्या मैक्सिमली रिडक्शन पोटेंशियल इसका मिलेगा, इस लाइन पे आपको जो P680 मिल रहा है, राइट? अब रिडक्शन पोटेंशियल मैं बात करता हूँ बेटा फियोफाइटिन की और प्लास्टोक्विनोन की, ये दो लाइनें दे दिया, 1 और 2 से मैं मेंशन कर रहा हूँ। बताओ किसका ज्यादा होगा, फियोफाइटिन या प्लास्टोक्विनोन? जाहिर सी बात है, फियोफाइटिन इज -0.7 एंड प्लास्टोक्विनोन इज -0.6, ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा, प्लास्टोक्विनोन। यानी फियोफाइटिन से नीचे प्लास्टोक्विनोन उसका ज्यादा है, प्लास्टोक्विनोन से नीचे साइटोक्रोम उसका ज्यादा है, साइटोक्रोम से नीचे प्लास्टोसियानिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। Are you getting what I'm trying to tell you? यानी हम जब बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को समझाने की, मैंने अभी तुम्हें समझाया कि रिडक्शन पोटेंशियल भूख था, तो सबसे ज्यादा भूख लगी है भैया इधर इस 680 को। उसके बाद अगर मैं फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन में बात करता हूँ तो ज्यादा कौन भूखा है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा भूखा कौन है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम से ज्यादा भूखा कौन है, प्लास्टोसियानिन। है कि नहीं, इतना आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट हम समझ पाए तो अब समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन को मान लो एक एप्पल। क्या है इलेक्ट्रॉन? एक एप्पल, ठीक। अब ये जो P680 है ना, ये ना एप्पल को अपने पास ना एकदम दबा के बैठा, क्योंकि भयंकर भूख लगी इसको, बहुत तेज भूख लगी, एकदम छुपा के ना अपने अंदर जेब में डाल के रखा कि भैया किसी को ना देंगे। इतनी देर में ना पीछे से ये लाइट आती है, देख रही है आपको यहाँ पे ये लाइट आती है, और लाइट इतनी तेज पड़ती है ना कि ये जो हमारे P680 होता है ना, इसमें से ना इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है, यानी इसके पास से एप्पल छूट गया। क्या ये एप्पल देना चाहता था? नहीं। क्या इसको भूख बहुत तेज लगी है? बिल्कुल लगी है। तो P680 के ना पीछे से हम लोग दबा के एक थप्पड़ मारा तुम लोगों ने जोर से ना, और यहां से इसके हाथ से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। तो ये जो अपने पास इधर से बेटा ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट इसको इतना इस तरीके से फोर्स कर देती है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन उछाल के ऊपर फेंका, तो उछाल के ऊपर बैठने के लिए यहाँ पे बैठे थे फियोफाइटिन। अभी फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, यानी एप्पल पकड़ लिया। अब फियोफाइटिन को भूख लगी थी तो इसने एप्पल पकड़ लिया। तो इतनी देर में ये P680 है, कहता यार तुमने मेरे से एप्पल ले लिया, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आएगा तो तोड़फोड़ मचाएगा, तो तोड़फोड़ मचाने के लिए आसपास देखता है, और इसको अपने बराबर बैठा हुआ ना यहाँ पे दिख जाता है पानी। क्या मिलता है? H2O। ये H2O इस P680 के बराबर बैठा है। इसको गुस्सा चढ़ रहा है, तोड़फोड़ करता है, और H2O को लेता है और मारना शुरू करता है, और H2O को ब्रेक कर देता है। जब इसने H2O को ब्रेक किया तो आपके पास 2H+ एंड हाफ O बन गया। सीधी सी बात, यानी H2O को ब्रेक किया, और जब H2O को ब्रेक किया तो H+ इधर बना, और इसका H+ का जो इलेक्ट्रॉन है इससे इसको अपने पास रख लिया था। यानी इस P680 को मजबूर कर दिया था पीछे थप्पड़ मार के, यानी इसको लाइट इतना भयंकर, इतना तेज एनर्जी का दिया कि इससे इलेक्ट्रॉन एप्पल निकला, और इसने गुस्से में तोड़फोड़ मचाई और वाटर को तोड़ दिया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे मैं वर्ड बोलूंगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या बोल रहा हूँ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। टूट रहा है H2O से, H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है। और क्या यही बात जस्ट NCERT ने यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में करी थी? आर यू एबल टू सी इस पूरे लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है कि नहीं होता है? समझ पाए? अब वाटर का स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होने से क्या यहाँ पे O2O बना? अब दो मॉलिक्यूल्स H2O के, अगर आप दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तोड़ दो तो आपके पास O2 बन जाएगा। यानी क्या इधर से ऑक्सीजन का रिलीज भी हो गया?
यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में मैं वाटर स्प्लिटिंग को समझा चुका हूं, आपकी ऑक्सीजन रिलीज के प्रोसेस को समझा चुका हूं, अभी तक एटीपी और एनएडीपीएच कैसे बना ये नहीं समझाया, लाइट कैसे एब्जॉर्ब हुई ये भी समझा दिया क्योंकि ये P680 ने तो लाइट एब्जॉर्ब करी थी, स्ट्रक्चर इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था ये भी आपको बात समझाई जा चुकी है। इतना अपना डन हो गया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन निकला और फियोफाइटिन के पास गया। अब फियोफाइटिन जैसे ही उस एप्पल को खाने लगा तो फियोफाइटिन के ना बराबर में बैठा था प्लास्टोक्विनोन जिसको ज्यादा भूख लग रही थी। फियोफाइटिन खाने लगता है, कहता नहीं यार मुझे इतनी भूख नहीं है, प्लास्टोक्विनोन को मेरे से ज्यादा भूख है, तो अपना एप्पल शांति से बिना किसी जोर जबरदस्ती के प्लास्टोक्विनोन को दे देता है। अब प्लास्टोक्विनोन को दिया तो भूखे को खाना तो वो आशीर्वाद देगा कि नहीं, तो प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे एनर्जी का आशीर्वाद देता है, कैसे वो आशीर्वाद काम आएगा हम आगे सीखेंगे। तो प्लास्टोक्विनोन फिर जैसे प्लास्टोक्विनोन को एप्पल मिला वो खाने लगा तो प्लास्टोक्विनोन के बराबर में बैठा था साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम कहता भाई मुझे तेरे से भी ज्यादा भूख लगी है प्लीज एप्पल दे दे, तो प्लास्टोक्विनोन कहता चल यार तू ले ले खुशी खुशी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। बात यहाँ पे समझने जरूरी है कि फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम और साइटोक्रोम से प्लास्टोसियानिन, ये पूरा जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है ऊपर से लेकर नीचे डाउनहिल मूवमेंट हो रही है, इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान अगर आप ग्राफ से बाजू में देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, भूख बढ़ रही है, और भूख बढ़ने का मतलब ये प्रोसेस ऊपर वाला नीचे वाले को, कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से दे देता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, इनफैक्ट एनर्जी निकल रही है, आशीर्वाद दे रहा है ना यानी एनर्जी निकल रही है। फाइनली यहां प्लास्टोसियानिन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, प्लास्टोसियानिन बहुत खुश, लेकिन प्लास्टोसियानिन के ना बाजू में थोड़ा सा नीचे डायग्राम से थोड़ा अनक्लियर है, बट प्लास्टोसियानिन के बाजू में ना यहां पे P700 बैठा है, फोटोसिस्टम 1। अब ये फोटोसिस्टम 1 जो है, फोटोसिस्टम 2 680 वाले ने इसको जोर जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, इधर फोटोसिस्टम 1 बैठा था और वो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन दबाए बैठा है, एप्पल दबाए बैठा है। इस फोटोसिस्टम 1 के पास भी लाइट आती है, इस फोटोसिस्टम के पास जैसे वन के पास लाइट आई तो लाइट आते ही इसका तो एप्पल छिन के ऊपर चला गया और छिन के चला गया एक्स, इसके पास ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का नाम चाहिए नहीं तुम्हें, एक्स नाम का स्ट्रक्चर है, आज तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए क्या है, चाहिए नहीं, इसके पास चला गया। बात मुद्दे की ये है कि भैया P700 यानी फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन यानी एप्पल छीन लिया गया और उसको भूख भयंकर लग रही है और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, तो अपने आसपास देखते हैं तोड़फोड़ करने के लिए पानी तो नहीं है, इस P700 फोटोसिस्टम 1 के पास पानी नहीं है, तो वो देखता है कि यहाँ पे ना ये अपना प्लास्टोसियानिन बैठा है एप्पल लेके बैठा है, कहता है भाई प्लीज मेरे को दे दे, तो प्लास्टोसियानिन देखता है कि इस बंदे को तो मेरे से ज्यादा भूख लग रही है, अपना एप्पल इसको दे देगा। यानी फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन किसने सप्लाई किया, फोटोसिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन कैसे आया, फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन यानी फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था ये घूमते घूमते फोटोसिस्टम 2 से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंच गया, और फोटोसिस्टम 2 को जो इससे एप्पल यानी इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया था उसको पूरा करने के लिए वाटर को तोड़ना पड़ा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आउट ऑफ द टू फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस। तो आप क्या बोलोगे, वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है किसका, फोटोसिस्टम 2 के साथ, P680 के साथ। डन, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करने आए, यहां पे एक्स स्ट्रक्चर के पास पहुंचा, एक्स से किसके पास पहुंचा, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, आयरन सल्फर प्रोटीन्स के पास पहुंचा, उसके बाद पहुंचा फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन के बाद फेरेडॉक्सिन के साथ जुड़ा हुआ होता है FNR जो होता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर अपने पास क्या करता है, ये स्ट्रोमा से, कहां से, स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा से उठाता है एक चीज, क्या, NADP, और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव जो बैठा है उसको उठाता है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों को जोड़ के NADPH बना देता है। क्या यहाँ पे बात चमक रही है तुम्हें, क्या बन गया, NADPH। समझो इस बात को कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब यहाँ गया, इधर यहाँ पे ये X पे पहुंचा, इस FES पे पहुंचा, इस फेरेडॉक्सिन पे पहुंचा, फेरेडॉक्सिन के पास पहुंचने के बाद ये गया FNR के पास, FNR हमारे पास फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ये कहता है कि मेरे पास पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को किसी को तो दूंगा, तो इधर H पॉजिटिव बैठा है और इधर NADP बैठा है, मुझे दोनों को जोड़ना है, H पॉजिटिव और NADP को जोड़ना है, तो इनको मैंने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ NADPH, और फाइनली एक चीज तो बन चुकी है NADPH।
दो केमिकल इक्विवेलेंट्स में से एटीपी और एनएडीपीएच में से एक एनएडीपीएच बन चुका है। भैया एटीपी कहाँ बन रहा है, ये वाली बात जरा सोचने और समझने वाली। एटीपी कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसी प्रोसेस में कहीं पर बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है एडीपी प्लस पीआई से। मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में जाते हुए देखोगे तो यहाँ एटीपी बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस प्रोसेस से एटीपी एग्जैक्टली कैसे बनेगा बेटा, ये वाला समझने के लिए मुझे आपको एक पूरा रिएक्शन समझाना पड़ेगा। उस रिएक्शन को आइए देखते हैं। जरा उस रिएक्शन को देखने से पहले एक पॉइंट पे जरा दोबारा फोकस लेके जाना चाहता हूँ। देखो इधर फोटोसिस्टम टू को, क्या ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है? तुम कहोगे यस बिल्कुल। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये वही कॉम्प्लेक्स है जो वाटर की स्प्लिटिंग करता है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है, गुस्से में तोड़फोड़ कर देता है शुरू, तो तोड़फोड़ शुरू कर देता है क्योंकि उसके मन में ना कालापन है। तो क्यों कालापन है, यहाँ पे देखो, क्योंकि इसमें तीन एंजाइम, तीन आपके पास एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, Mn, मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन। इनको याद करने के लिए बोल सकते हो मन का काला, क्या बोल सकते हो, मन का काला। तो मन का काला ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मन का काला है तो तोड़फोड़ मचा देता है, वाटर को तोड़ देता है, ऑक्सीजन इवॉल्व कर देता है। तो क्या रफली आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आया? इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एब्लाइट एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और फाइनली एनएडीपीएच का फॉर्मेशन, एक प्रोसेस हमारा पेंडिंग है एटीपी का फॉर्मेशन। वो कैसे होता है उसको समझने के लिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नाम का एक पूरा बड़ा कंसेप्ट होता है, वो तो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। अभी के लिए इतना आपको समझ आ चुका है, अगर इतना समझ आ चुका है तो आओ हम देखते हैं आगे वाला रिएक्शन। देखो भाई आगे का रिएक्शन समझने के लिए अपने को क्या करना होगा, सिंपल है। ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है ना, जो यहाँ से शुरू हुआ, लाइट आई, यहाँ से निकला क्या? क्वेश्चन ये है कि ये फोटोसिस्टम 680 P680 से, जिसको हम फोटोसिस्टम 2 टर्म करते हैं, बेटा यहाँ से निकला क्या? तो अब सोचोगे, अकल लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा आपके पास कि यहाँ से निकलने वाला जो सामान है वो है इलेक्ट्रॉन। ये आपको 2E दिखा रखा है, डब्बा बना भी रखा है, इसके आगे मैं गोल गोल बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे वो भूख लगने वाला आपको कंसेप्ट बताया ना कि इसको भूख लगती है, फिर इसको इससे ज्यादा भूख लगती है, अलोंग रिडक्शन पोटेंशियल, सारे ये जितने भी हैं ये अरेंज्ड है अलोंग द रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो इस कंडीशन के अंदर अब आपके पास एक तरीके से देखा जाए तो एक चेन बन गई है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन चुकी है, इजंट इट? तो दिस बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हिच हैज बीन मेड, हम इस चेन की बात कर रहे हैं, हम इस चेन पे फोकस करेंगे। इस चेन की फॉर्मेशन की वजह से कुछ फिनोमेना या कुछ ना कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से चलेंगे तो मेरे साथ देखना एक बार। इस वाली रिएक्शन में देखो, ये ना फोटो दे रखी है अच्छे से समझाने के लिए। हम करते हैं यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इधर करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, हाईलाइट भी कर दिया मैं इसके आगे से दिखा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है यानी आपने वाटर को ब्रेक डाउन किया, फोटोलाइसिस पानी को तोड़ा, O2 H पॉजिटिव, O2 एक आ गया, H पॉजिटिव एक आ गया, और ये H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इस इलेक्ट्रॉन को बेटा इस फोटोसिस्टम 2 ने ले लिया, इतना हम समझते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 2 ने लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से होता है और आगे जाता है। हमने यहाँ दिखाया ना कि ये ऊपर जा रहा है, तो उसी तरीके से ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि वो हवा में जा रहा है, मतलब वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास जा रहे हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पास जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं PQ, प्लास्टोक्विनोन। अब ये प्लास्टोक्विनोन के पास पुत्र इलेक्ट्रॉन गया, अब प्लास्टोक्विनोन जो है ये PQ है, इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आया तो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसका नेगेटिव सा चार्ज हो जाएगा। अब प्लास्टोक्विनोन कहेगा कि यार मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बना लिए, तो मैं क्या करता हूँ, बाहर स्ट्रोमा से, कहाँ से, स्ट्रोमा से H पॉजिटिव लेता हूँ। तो ये क्या करता है, बाहर स्ट्रोमा से इधर से H पॉजिटिव पकड़ लेता है, समझ पा रहे हो इधर? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे अच्छे से, ये सारा रिएक्शन हो कहाँ रहा है, इसके अंदर, जिस एरिया को अब मैं ग्रीन से कर दूंगा ना, इस एरिया के अंदर, जिसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अरे यार, इस एरिया के अंदर जिसको मैं यहां से ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एरिया के अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, मालूम है ना तुम्हें, स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन में।
बेटा ये आपको स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन ही तो दिखाई दे रही है, ऊपर से नीचे अगर तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन तो दिखाई दे रही है, समझ पाए? अब स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन में यहाँ पर अगर इस तरीके से गेम हो रहा है तो आप इमेजिन करने के लिए, अभी के लिए अच्छे से इमेजिन करने के लिए क्या समझ सकते हो, रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से देखते रहना बेटा अच्छे से। यहाँ पे हम लोग, मैं बस इतने पोर्शन को ग्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन है। इस स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन में यहाँ पर आपके पास फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होती है एच पॉजिटिव और O2, और इलेक्ट्रॉन इसके पास फोटोसिस्टम 2 के पास जाते हैं, फोटोसिस्टम से 2 आपके पास जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास गया। अब प्लास्टोक्विनोन इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर बैठा है, बाहर वाली तरफ जो क्लोरोप्लास्ट में बाहर वाली तरफ है ये खाली एरिया, इस खाली एरिया को हम लोग क्या टर्म करते हैं, स्ट्रोमा टर्म करते हैं ना, इतना तो मालूम है अपने को, हम उसको टर्म करते हैं स्ट्रोमा। तो अब ये प्लास्टोक्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो उसके रिस्पॉन्स में ये यहाँ से 2H पॉजिटिव ले लेता है, तो प्लास्टोक्विनोन जो है वो एच पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन जाता है PQH2। क्या बनता है? PQH2। अब साइंटिफिकली देखा जाता है कि ये PQH2 इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर, तो ये PQH2 वापस PQ के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये इसने हाइड्रोजन पकड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा, तो ये क्या करता है PQH2, अब PQH2 में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो ये H पॉजिटिव को 2H पॉजिटिव को अंदर की तरफ धकेल देता है, यानी जब ये इससे PQH2 बनता है और जब ये वापस जाता है तो यहाँ से H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव अंदर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया जाता है, यानी इसने नीचे मेम्ब्रेन ये थी ना बेटा, देखो इधर मेम्ब्रेन अपने पास इस तरीके से मेम्ब्रेन थी, तो मेम्ब्रेन में जो H पॉजिटिव था इसने स्ट्रोमा में भेज दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था बेटा यहाँ से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके से आपके पास आगे चला गया, इलेक्ट्रॉन अब प्लास्टोक्विनोन के बाद में जो स्ट्रक्चर आएगा उसके पास पहुंच जाएगा, तो प्लास्टोक्विनोन के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके पास क्या था, साइटोक्रोम B6F। बेसिकली आप कोई कहीं जगह इसको अलग अलग लिख देते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, इफेक्टिवली इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है साइटोक्रोम B6F। आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास आंसर करने के लिए ये है। अभी अभी बेटा नीट का एग्जाम हो गया है, और इस नीट के एग्जाम के अंदर जो सिलेबस कंटेंट है वो NCERT बेस्ड है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये NCERT को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो तुम ये मत सोचना कि सर ये सब बातें NCERT में नहीं बता रखी या ऐसा है वैसा है, नहीं, जब तक ये नहीं समझ आएगा तब तक तुम्हें NCERT का वर्ड टू वर्ड अच्छे से नहीं क्लियर होगा, इतना तो तुम मेरे को जानते हो, इतना वक्त से आप लोग बेटा मेरे से पढ़ रहे हो, इतना मैं तुम्हें तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैं पढ़ा चुका हूँ उस पर विश्वास करो और जानो कि ये NCERT का ही है, और इतना पोर्शन जितना करा रहा उतना तुम याद करोगे, अगर इसको याद कर लोगे तो नीट में आता हुआ NCERT का कोई भी क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, इतना अपने को डन हुआ ना बेटा। तो यहाँ तक हमें साइटोक्रोम PF6 कंडीशन, इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, प्लास्टोसियानिन के पास गया, प्लास्टोसियानिन PC के पास गया, और प्लास्टोसियानिन किसको दे देता है, PS1 को क्यों दिया, क्योंकि इधर लाइट ने आके PS1 को देने से पहले लाइट ने आके PS1 से भी तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, और PS1 को एकदम तिलमिला रहा था, उसको गुस्सा चढ़ रहा था, भूख लग रही थी, इस PS1 के पास ना मन का, इसका मन काला नहीं है, देखो ना PS2 का मन काला है इसलिए ना वो वाटर को तोड़ देता है, लेकिन PS1 का मन काला नहीं है, उसको भूख लग रही है, वो घर में तिलमिला रहा है, वो तोड़ फोड़ नहीं बचा रहा, चिल्ला रहा है भूख लग रही है, वही हमें भूख लग रही है, तो यहाँ से प्लास्टोसियानिन उठा के इलेक्ट्रॉन इसको PS2 को दे देता है, सॉरी PS1 को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन से आया, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं बेटा, और यहाँ पहुंच गया PS1 के पास, इतना अपने पास डन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गया, PS1 उसको आगे फेराडॉक्सिन को देगा, वो उसको देगा NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास, और फाइनली इलेक्ट्रॉन देखो फेराडॉक्सिन से FNR के पास गया, फेराडॉक्सिन से रिडक्टेज एंजाइम के पास गया। अब नीचे की तरफ से क्या आ रहा था, अपने पास इलेक्ट्रॉन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ऊपर ना ये वाला एरिया यानी बाहर वाला एरिया, यानी सारे रिएक्शंस हम इसी कंपैरिजन में कर रहे हैं, ये हमारे पास अंदर है बाहर है एरिया स्ट्रोमा का, और ये अंदर है ल्यूमन, ल्यूमन यानी खोखला एरिया ऑफ दिस, इस थाइलाकॉइड्स के अंदर का खोखला एरिया, क्योंकि बेटा थाइलाकॉइड हमेशा इस तरीके से बाहर से देखने में ऐसे होते हैं और अंदर से उनको देखा जाए तो इस तरीके से होते हैं,
यानी एक रबर की ट्यूब की तरह अंदर से खोखले खोखले एरिया को हम लोग ल्यूमन टर्म करते हैं। तो इस ल्यूमन के अंदर और ल्यूमन के बाहर ये दो एरिया समझना हमारे लिए जरा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये नेक्स्ट लेक्चर में केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में पढ़ाऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना बात, मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझो कि इधर स्ट्रोमा की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस एंजाइम के थ्रू, और स्ट्रोमा की तरफ बेटा आपके पास बैठा है NADP पॉजिटिव। स्ट्रोमा में एक ये बैठा है, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव भी खूब सारे, स्ट्रोमा में पहले से बहुत सारे H पॉजिटिव हैं, उसके पास बहुत सारे NADP पॉजिटिव हैं, और नीचे से आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो भी इलेक्ट्रॉन बेटा इनके पास पहुंचते हैं तो कंडीशन क्या होती है, दोनों कंबाइन करते हैं और बना लेते हैं NADPH। क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं NADPH। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? इन्होंने इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बना लिया? NADPH। एंड माइंड इट बेटा, आप जरा फोकस कीजिए मेरी बात यहां पर। आपके पास वर्ड कभी आए NADPH, सॉरी आपके पास वर्ड है NADPH, या फिर आपके पास कभी भी लिखा जाए NADPH2, आप इन दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे, यानी अपनी समझ के लिए मानेंगे कि ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, NADPH एंड NADPH2, ये दोनों की दोनों चीजें एक ही होती हैं। समझ पाए मेरी बात? तो यहां पर रिएक्शन के माध्यम से हमें ये बात समझ आती है कि इधर अपने पास NADPH बन गया। ठीक, हमने इलेक्ट्रॉन की पूरी मूवमेंट करी, इलेक्ट्रॉन की पूरी मूवमेंट करी और NADPH बना डाला, बट मुझे अभी तक ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, अभी तक भी हम नहीं पहुंचे हैं कि ATP कैसे बनेगा। यहाँ पे ATP बनाने का मशीनरी दे दिया गया बेटा, मैं ये नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि अभी मुझे इसको समझाने से पहले आपको पूरी NCERT इस सेक्शन सेगमेंट की पढ़ानी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की पढ़ानी है, और जब उसको कर लेंगे तो हम डिस्कस करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंडर हम लोग स्टडी करेंगे बेटा ATP बनता कैसे। तो अभी के लिए अपन लोग यहाँ तक डन, समझे तो समझ आएगा कि वाटर टूट चुका है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो चुका है, एंड उसकी वजह से फाइनली दो चीजें हो गई हैं। एच पॉजिटिव क्या था? चलो एच पॉजिटिव की बात ही नहीं करेंगे, केमी ऑस्मोटिक में आएगा। अभी तक NADPH अपने पास बन चुका है, इजंट इट बेटा? अगर ये वाली बात आप समझ चुके हैं तो जरा फोकस कीजिए इस स्ट्रक्चर पे। इस अगर स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो क्या ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से? क्या ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? समझो इस ड्राइंग को समझो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जा रहा है इधर से नीचे, इस तरीके से है कि नहीं? अगर मैं इसको टेढ़ा करके दिखाऊं, मतलब आप अपनी कॉपी को इस तरीके से, इस कॉपी को इस तरीके से कर लीजिए, तो आपको रियलाइज होगा कि बेटा ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रफली इस तरीके से हो रही है अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उस स्केल पे इनको अरेंज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डेफिनेट शेप में है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो इस पर्टिकुलर शेप में, इस शेप को हम लोग कहते हैं जेड शेप, एंड इसीलिए इस पूरे मूवमेंट को हम लोग टर्म करते हैं जेड स्कीम। क्या मूव करते हैं? जेड स्कीम। इतना हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो बेटा पूरा फोटोसिंथेसिस दो अलग अलग मेन रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। वन इज, सबसे पहला जिसको हम टर्म करते हैं वो है हमारा लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। आप अब लाइट रिएक्शन को देखते हो, जब आप लाइट रिएक्शन को देखते हो तो लाइट रिएक्शन के अंदर आपको करने के लिए फोटोसिंथेटिक यूनिट ये वो सब कुछ चाहिए था। समझ तो आती है मेरी बात? अब यहाँ पे जरा मेरी बात फोकस करना, मैं आपको कुछ एक नया सा कंसेप्ट आइडिया देने वाला हूँ कि हमने लिया फोटोसिंथेसिस को इस तरीके से, हम कहते हैं कि भैया हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक अपने पास लाइट रिएक्शन पहला, और इसके सब्सिक्वेंट डार्क रिएक्शन। मैं इन दोनों की आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ किस किस में क्या होता है। बेटा लाइट रिएक्शन भी आगे दो टाइप्स का होता है, ध्यान से, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब आप इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो।
साइक्लिक यानी साइकिल जैसा, साइकिल होते ना बाइसिकल उसकी तरह। अब साइकिल में जब पेडल मारते हो तो पेडल घुमाते हो फिर वहीं आ जाता है, घुमाते हो फिर वहीं आ जाता है, घुमाते हो फिर वहीं आता है। यानी अगर कोई एक सर्कुलर लूप में चल रहा है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा साइक्लिक। अगर कोई नॉन सर्कुलर लूप में चल रहा है तो उसके लिए वर्ड क्या करूंगा, नॉन साइक्लिक, इजंट इट। तो अगर मैं जेड स्कीम बनाता हूं तो बेटा बताओ जेड स्कीम क्या सर्कुलर लूप में चल रही है, स्टार्ट यहां से हुई और एंड यहां पर हो गई, नहीं ना। तो अगर कोई चीज यहां से स्टार्ट हो गई यहीं पर एंड होती, अगर इस तरीके से चलती है तो मैं इसको साइक्लिक टर्म कर देता, ये वाली तो नॉन साइक्लिक अरेंजमेंट है, इजंट इट, यस और नो। तो अपने को लाइट रिएक्शन में दो जो पार्ट्स आते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, उसमें से नॉन साइक्लिक जो नॉन साइक्लिक यानी जेड स्कीम है वो मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, कहानी अपना क्लियर हो गया। अभी हमारा साइक्लिक पेंडिंग है तो अभी हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, फिर हम साइक्लिक को पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक के एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और हमारा ये लेक्चर उसके साथ फिनिश हो जाएगा। आओ करते हैं। इसमें करने के देखिए एनसीईआरटी हमें क्या क्या बोल रही है, आइए देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यहां से हमें फोकस करना है। इन द फोटोसिस्टम टू सबसे पहले वाला, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer of wavelength of red light causing the electrons to become excited and jump in an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by the acceptor which passes them to electron transport system consisting of cytochromes. ये ना स्टेटमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, तो स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए एनसीईआरटी कहते हैं ये एक न्यूक्लियस जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का है, उसमें अलग अलग न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे अंदर वाले ऑर्बिट पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बैठा था। अब लाइट एग्जैक्टली हम इस तरीके से बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा था एनर्जी, लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाता है, समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा इधर बैठा है, समझ लो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो उत्तर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या करता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर चल जाता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने जस्ट अभी तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई तो है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ये मूव होता रहा है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आपको साइटोक्रोम दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम के बीच का पार्ट है, और इनफैक्ट कहूँ तो ये सबसे मेन पार्ट होता है बेटा। देखो इधर ये, अब पूरी ये लाइन पढ़ना मस्त समझ आएगी। These electrons are picked up by an electron acceptor, इसने पिक किए, which passes them to electron transport system, ये इनको आगे ये इस electron transport system में डाल देता है, consisting of cytochromes, यहाँ पे cytochrome B6F आ जाता है, समझे? Next, this movement of electrons is downhill, यहाँ से इधर गया, This movement of electrons is downhill. ऐसा लग रहा है ना पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं इस तरीके से, इसको कहा जाता है This movement of electrons is downhill in terms of oxidation reduction or redox potential scale. NCERT की ये line पे focus मत ज़्यादा कीजिए, समझ लीजिए कि electron की movement जो यहाँ से यहाँ आ रही है वो downhill movement है, ये movement क्या हुई uphill movement हुई, ये downhill movement हुई, ठीक है। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on to the pigments of photosystem 1. इस लाइन पे जरा फोकस करेंगे बेटा। मैंने कहा कि मैं जो इलेक्ट्रॉन नाम का एप्पल है इसको आगे पास करते जा रहा हूँ। मुझे भूख लगी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे सामने वाले को मेरे से ज़्यादा भूख है, तो मैंने अपना एप्पल उसको दे दिया। उसको भूख लग रही है, वो खाने लगा था, लेकिन उसने अपने आगे के वाले को दे दिया, उसको ज़्यादा भूख लग रही है। क्या किसी ने एप्पल को खाया? नहीं। क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली कंज्यूम कर लिया? नहीं, बस वो आगे पास ऑन करते गए। तो यही लाइन थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट
and they are passed on to the pigments of photosystem 1. Finally, photosystem 1 के pigments को ये पहुंच जाते हैं, उनके पास ये चले जाते हैं. यहां तक अपने को डन हुआ बेटा. Simultaneously, the electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive a red light of wavelength. जैसे जैसे ये 680 nanometer से excite हुए थे, ये 700 nanometer से excite parallel ही होते हैं. इनका electron already जा चुका था, इसलिए यहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाता है. यही तो सिस्टम चलता है. अब कंडीशन क्या होती है, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में और आगे फाइनली चलते रहते हैं. देखो एनसीईआरटी ने यहाँ फेरेडॉक्सिन एफडी एफएनआर कुछ नहीं दिखाया, कोई टेंशन नहीं. एनसीईआरटी ने बस ये दिखाया एनएडीपी से एनएडीपीएच बन रहा है. ठीक, एनसीईआरटी ने यहाँ पे स्ट्रोमा ह्यूमन वगैरह कुछ नहीं दिखाया कल, लेकिन आपको वो सब दिखाना जरूरी था क्योंकि आपको अब आगे थोड़ी देर बाद जाके ना बेटा ये वाला डायग्राम स्टडी करना है. जब ये वाला डायग्राम स्टडी करेंगे, मैं रफली ये वाला आपको डायग्राम दिखा चुका हूँ. आप देख रहे हो PQ से PQH2 साइटोग्राम B6F Plus2CNN P700 FD FNR. ये करता है NCERT का भी डायरेक्टली नहीं बताता आपको, छोटे मोटे नए नए फोटोज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल के दे देता है. हमें लगता है कि हमें तो NCERT में लिखा नहीं, पर ध्यान से देखोगे बहुत सारी चीज़ आपको NCERT से मिल जाएंगी. विश्वास रखो, तुम्हारा नीट करवा दूंगा क्लियर. आगे बढ़ते ना, तो यहाँ से आगे मूव किया, पढ़ते रह गए. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन मूव डाउन हिल अगेन. ये इलेक्ट्रॉन्स फिर ये डाउन हिल अगेन मूव करते हैं, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+. NADP+ के पास पहुंचे. The addition of these electrons reduces NADP+ to NADPH+H+. ये कहता है कि NADPH से क्या बन जाता है, NADP+ से बन जाता है NADPH+H+. बेटा कुछ बुक्स में प्लस एच पॉजिटिव की वजह से इसको लिख देते हैं NADPH2. तो आप चाहे उसको लिखें अकेला NADPH या फिर NADPH2, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज चलते हैं. दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरी की पूरी स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 अपहिल टू द एक्सेप्टर. फोटोसिस्टम 2 से शुरू होते हुए एक्सेप्टर के पास पहुंचना, डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द फोटोसिस्टम. ये अपहिल गया, डाउनहिल, अपहिल, डाउन, इस तरीके से पहुंच रहे. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली डाउन हिल टू NADP, रिड्यूसिंग इट टू NADPH+H+ इज कॉल्ड ए जेड स्कीम. यानी ये शेप की बात कर रहे हैं जो जेड से बनी हुई है, ये रफली आपके पास जेड शेप की बनती है तो उसको जेड स्कीम कह देते हैं. ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रेडॉक्स स्केल. सिंपल कहानी डन हो गई. ये लास्ट वाला पैराग्राफ है क्योंकि इस लास्ट वाले पैराग्राफ के बाद अपना आज क्लास का टाइम कंप्लीट ऑलमोस्ट हो रहा है. तो इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट की कहानी हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे. लास्ट पोर्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली. ये तो NCERT बाद में बता रहा है, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी कि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गया. अब PS2 अपने इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता रहेगा तो कभी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे. वो नए इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन जो उसके रिजर्व्स खत्म हो गए उसको फिल करने के लिए कोई तो सोर्स ढूंढेगा. तो यहीं से क्वेश्चन है. ये कहता है द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, जो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना बेटा, मस्ट बी रिप्लेस्ड. या क्योंकि निकल चुके हैं, उनकी जगह कोई तो आना चाहिए. दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोशिएटेड विद फोटोसिस्टम 2. यस, द वाटर इज स्प्लिट इन टू 2H+ O एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. समझ रहे हो, तभी रिएक्शन होता. तो बेटा यहाँ इस रिएक्शन में याद रखो, क्या आपके पास इधर ये निकल जा रहा है, क्या आपके पास ऑक्सीजन निकल जा रहा है. अब यहाँ पे एक वाटर टूट रहा है, अगर दो वाटर टूटे हैं तो ये O2 बन जाएगा. अब आपके पास O2 यहाँ बनता है और यहीं से बना हुआ O2 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से निकल जाता है. इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है. अब ये H2O जो था बेटा, वो सप्लाई कर रहा था H+, isn't it? ये H2O इलेक्ट्रॉन H+ सप्लाई कर रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था. ये ऑक्सीजन तो उड़ के बाहर निकल गया, समझ गए, ऑक्सीजन उड़ के बाहर निकल गया. Yes, अगर मैं इसको H2O की जगह H2S लेता तो इसलिए सल्फाइड, ये सल्फर इस तरीके से बाहर निकलता. SO2 या S अपने पास, ये सल्फर किसी ना किसी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में कॉर्नेलियस वैन मीएल के एक्सपेरिमेंट में वैसे बाहर निकलता.
This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. The electrons needed to replace those removed by photosystem 1 are provided by photosystem 2. ये photosystem 1 से जो निकले वो photosystem 2 से आ रहे थे ना ऊपर से उनको मिल जाते हैं. We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with photosystem 2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. यहाँ पर अगर हम membrane की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो हमारा photosystem 2 है, वो membrane की अंदर वाली तरफ है. ये यहाँ पे photosystem 2 नहीं है, ठीक है? Photosystem अंदर वाली तरफ है membrane की. और यहाँ से कुछ भी कंडीशन होती है, यहाँ पर आके वाटर का टूटना होता है, इस अंदर ल्यूमन के अंदर वाटर का टूटना होता है. इस स्टेप का ना एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है. क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये हमें अपनी आगे की स्टोरी कंप्लीट करने में मदद करेगा, ये तो हम देखेंगे बाद में. तो आज के लिए बेटा मैं उम्मीद कहता हूँ कि इतना हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश ऑफ होता है. उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बात पूरी समझ आई. इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करेंगे. क्या करेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज को पहले आसान बनाएंगे कि फॉस्फोराइलेशन फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है. साइक्लिक नॉन साइक्लिक तो दो तुम्हें समझा चुका हूँ, फिर वो किस तरीके से इस तरीके से कैसे चल रही है, उसका पूरा मैकेनिज्म, एनसीईआरटी एंड एसोसिएटेड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. तो आज के लिए बेटा इतना ही, बहुत है. खूब मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो. जय हिंद.